गुरुजी हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की समस्या के बारे में बुढ़ापे की निशानी कहा जाता था जब कोई एक ठीक ठाक उम्र का इंसान भी कहता था कि मेरे घुटने में दर्द है तो कहता तू क्या बूढ़ा हो गया जो तेरे घुटनों में दर्द है तो उसकी निशानी ना बनके अब गुरुजी सभी उम्र के लोग इससे परेशान है कारण बताए और उपचार भी दे देखिए जोड़ों में दर्द होने का मुख्य कारण है कि आपके खून के अंदर तेजाब बढ़ गया जी जब तजाब बढ़ जाता है तो खून का दौरा बहुत कम हो जाता है और उसमें गैस रुकती है गैस का रोग बोलते हैं इसको इसे। और इसका लाइफ पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है ये तो मैं ग्रांटी से बोलता हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ इतना काम है कि जहाँ पे तकलीफ उस अंक को सुन कर दो और उसके बाद जब जिए तक जिएंगे तब तक दवाई खाओ जी। सुन करने का टाइम है इनका दो घंटे चार घंटे छः घंटे ज़्यादा ज़्यादा आठ घंटे फिर दवाई देनी पड़ती है और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता है यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं हो गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना जिस दिन आना उस दिन रात्रि दस बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रखे चूसते रहें सुबह नौ से दस के अंदर अपना नामकरण कराएं दस से बारह में नाड़ी परीक्षण करता हूँ नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बालता की एम आर आई सी टी स्कैन एक्सरा अल्ट्रासाउंड ए सी जी सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी परीक्षण में पाँच सेकेंड में हो जाता फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं पीने की हैं मालिश करने के तेल हैं आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं यदि दवाई आप नियम से लेते हैं परहेज करते हैं तो पहले दिन आपके रोग में 20 परसेंट आराम तो जरूर मिलता है जी। अब रही जोड़ों के दर्द की बात तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है तो उसमें पके हुए नींबू पीले रंग के हर रोज चार से पांच लेने हैं। नींबू का रस निकाला जहां जहां दर्द है वहां पे अच्छी तरह आधा घंटे तक जैसे तेल की मालिश करते ऐसे मालिश करनी और सूती कपड़ा उस पर बांध देना और हल्के गर्म पानी में नींबू का रस काला नम काली मिर्च मिला के हर दो घंटे बाद एक गिलास पीते रहना आप देखेंगे कि एक बार की मालिश करने से और दो बार के नींबू के रस पीने के बाद जो आपको दर्द हो रहा था वो दिखाई नहीं पड़ेगा अब सुबह शाम दोनों टाइम मालिश करेंगे और कम से कम पाँच नींबू का रस रोज पिएंगे एक बारी में आधा नींबू दस बारी में पाँच नींबू आपको हर घंटे डेढ़ घंटे बाद एक गिलास पानी पीना है पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए और उसमें चुटकी भर शिंदा नमक या काला नमक काली मिर्च मिला के नींबू का रस को एक गिलास को पीने में 20 मिनट का समय लगाना तो आपका जोड़ों का दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट परंतु एक बात का ध्यान रखना इसमें चाय ठंडे चीजें बाए बादी करने वाली चीजें इनका प्रयोग नहीं करना गेहूं को छोड़ के जितने नाज है सब आप खा सकते हैं और खाना खाते समय दो गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है उसका नियम है कि ताजा ताजा गर्म गर्म खाना अच्छी तरह चूर करके दो चार ग्राई खाई फिर दो गुट पानी पिया फिर दो चार ग्राई खाए दो गुट पानी पिया पानी पीने में खाना खाने में पूरा एक घंटे का समय लगा दें फिर उसके बाद दातर कूड़ा करके पाँच मिनट के लिए वज्रासन बैठें फिर आधा घंटा थोड़ी सैर कर लें फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेटें पाँच मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें तीन मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें फिर सब आसन लेट के फिर बाएं साइड को करवट लेके उठें आपके शरीर में इतना हल्का आएगा जैसे आप आठ घंटे की निंद्रा पूरी करके उठ के उठके, गर्म पानी से नहा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है ऐसे आराम मिलेगा